नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की तरफ। संगम में स्नान के बाद दारू पार्टी बाइक पर ही पैक बनाकर पीते नजर आए दो शख्स। घाट पर बैठे पुरोहितों ने बनाया वीडियो। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा ने लगाई फांसी। दो दिन पहले प्रयागराज से लौटी थी मेरठ। कमरे में मिला शव। मथुरा में चाइल्ड लाइन और पुलिस ने रुकवाया बाल विवाह। शराबी पिता जबरन करा रहा था बेटी की शादी। कानपुर देहात में टॉप 10 अपराधियों में शामिल आरोपी गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहा था। दर्ज है 23 मुकदमे। पर्यावरण विद ज्ञानेंद्र रावत को मिलेगा अनुपम मिश्र स्मृति पुरस्कार। फतेहपुर में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म। जामुन की लालच देकर घर की छत पर ले गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर के छात्र को जापान में 42 लाख का पैकेज। चल फिर नहीं पाने वाली मां ने सिलाई कर बनाया IIT। सपा MLA इरफान सोलंकी के भाई की तबीयत बिगड़ी। नींद की गोलियां खाने पर अस्पताल में भर्ती। अमेठी में CHC में रात को नहीं मिलते डॉक्टर। लौट जाते हैं मरीज। गंदगी और बदबू से परेशान है मरीज। गोरखपुर में युवक की गला दबाकर हत्या। रात में ही घर से निकला था हरिओम। 1 साल पहले हुई थी शादी। गाजियाबाद के सैदपुर में 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 12 से ज्यादा यात्री घायल। बचाव कार्य जारी। मेरठ में आर्मी इलाके में मिली महिला की लाश। गर्दन काट कर हत्या करने की आशंका। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। ललितपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। विवाह घर पहुंचकर करते थे मेहमान नवाजी। मौका पाते ही जेवर और पैसे लेकर होते थे फरार। कन्नौज में दबंगों का कहर। 9 साल के बेटे को पीटा मां से मारपीट कर अश्लील हरकत की। बांदा DM ऑफिस में राशन कार्ड बनाने की लगाई गुहार। कहा महीनों से चक्कर काट रही हूं कोई सुनवाई नहीं होती। अखिलेश के बयान पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का पलटवार। बोले अखिलेश के आरोप बेबुनियाद। पॉलिसी के आधार पर होता है ट्रांसफर। पत्नी ने नहीं परोसा मीट तो मार दी गोली। पीड़िता बोली पति शराब पीकर आया था। खाने को लेकर हुआ था झगड़ा। शामली में सरेआम चोरी की घटना। शातिर चोर ने सामान लेने आया व्यापारी से झगड़ा कर उड़ाए 17,000 रुपए। रामपुर में किशोरी से गैंगरेप। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। बियर पिलाने के बाद 4 लोग ने साथ मिलकर की दरिंदगी। आतंकी हमले की बरसे पर सुरक्षा सख्त। रामलला दर्शन मार्ग सहित पूरे अयोध्या में चेकिंग वाहन अभियान। कासगंज में 35 लाख की अवैध शराब की गई नष्ट। JCB से गड्ढा खोद कर 12,000 लीटर शराब नष्ट की गई। फंदे से लटके मिले माँ बाप बेटी के शव। आगरा में 6 साल का बेटा पड़ोसियों से बोला कमरे में सब लटके हैं डर लग रहा। मेरठ में दिन निकलते ही पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर के समीप उड़ाए गए थे काले गुब्बारे। सड़क हादसे में 3 की मौत 1 घायल। तेज रफ्तार कार गिरी खाई में। मरने वाले सभी सिद्धार्थनगर के रहने वाले। यूपी में जवारिया रिटायर होंगे दागी अफसर कर्मचारी। सभी विभागों में होगी स्क्रीनिंग। 50 साल पूरा कर चुके अफसर निशाने पर। सीतापुर में 76 ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक पर किया हंगामा। BDO पर आरोप लगाते हुए सौंपा ज्ञापन। मनरेगा के तहत कार्यों का नहीं मिला पैसा। संजय निषाद के फिसली जुबान। अपने ही समाज के लोगों को बताया गवार। कहा इन्हें हम समझाएंगे। देवरिया में मनी एक्सचेंज शॉप से दिन दहाड़े लूट। 3 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर कर्मचारी को रस्सी से बांधा। 1 लाख लूट कर हुए फरार।
लखनऊ में डायरिया से दो की मौत। पार्षद ने कहा हर दिन आ रहा गंदा पानी, तीन दिन पहले हुई थी बच्ची की मौत। सुल्तानपुर में फंदे से लटकता मिला प्रधानपति का शव, घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। आगरा के हॉस्पिटल में संविदा कर्मचारी की हड़ताल, सैलरी न मिलने से नाराज कर्मचारी धरने पर बैठे, मरीज हो रहे इफेक्ट। इटावा में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत, एक बाइक से पांच लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सुल्तानपुर डीएम ने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए क्लास ब्लैक बोर्ड पर लिखा आई लव माई इंडिया, बच्चों से किया सवाल हिंदी में क्या कहते हैं। सीतापुर में बकाया 700 रुपए के लिए खूनी संघर्ष, तिरपाल का पैसा न मिलने पर दो पक्षों में चले धारदार हथियार, पांच लोग घायल। औषधि विभाग के बाबू का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, ड्रग इंस्पेक्टर के कहने पर बाबू को दी 70,000 की घूस। हरदोई में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, पिता बोले ससुराल वालों ने की है हत्या, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। लखीमपुर खीरी में दो दोस्तों की नदी में डूबने से मौत, शारदा किनारे मिले दोनों के मोबाइल और कपड़े, तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। चित्रकूट में झाड़फूंक के चक्कर में गई जान, मानिकपुर में महिला को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाकर 6 घंटे तक परिवार वाले डलवाते रहे मंत्र। झांसी में सब इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत, कार का पेट्रोल खत्म होने पर सड़क किनारे खड़े थे, बाइक ने मारी टक्कर। अलीगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन, योजना को वापस लेने की मांग। अमेठी में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है कंपोसिव विद्यालय, गंगोली विद्यालय बन रहा है आवारा पशुओं का घर। बदायूं जिला महिला अस्पताल पर आशाओं के माध्यम से होता है मरीजों की से अवैध वसूली, बिना रुपए नहीं दिए होता कोई भी काम। बहराइच में आयोजित हुआ कार्यक्रम मुख्य पौधारोपण कार्यक्रम, जनपद को 71,57,622 पौधारोपण का लक्ष्य आवंटित हुआ। गाजियाबाद में बदमाश है, पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, इस दौरान बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर वन महोत्सव में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद और मंत्री ने किया वृक्षारोपण। प्रेमी घबराया तो खुद बेटी ने काटा मां बाप का गला, दंपत्ति ने 24 साल पहले गोद लिया था, भाई को भी मारना चाहता। अलीगढ़ में विधायक ने किया गौशाला का उद्घाटन, विधायक ने कहा शहर में स्थित भव्य गौशाला का रूप धारण कर चुका है। रायबरेली में वृद्ध की तालाब में डूबने से हुई मौत, मंदिर दर्शन करने के लिए घर से निकले थे वृद्ध। सुल्तानपुर में फार्मेसी कॉलेज पर लगा परीक्षण न करवाने का आरोप, परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। अमेठी में देर रात चलती ट्रक बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। बुलंदशहर में नहर में मिला महिला का शव, मृतक महिला की अभी तक नहीं हो पाई शनाख्त। फरुखाबाद में बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई शुरू, प्रशासन ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए। गाजीपुर में शादियाबाद से बनारस की तरफ जाने वाली प्राइवेट बस खाई में पलटी, 15 से 20 लोग घायल। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवक को मसवानपुर चौराहे पर बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 10 बाइक समेत दो अभियुक्त गिरफ्तार। बुलंदशहर में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का युवा पंचायत, राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी जयंत सिंह युवा पंचायत को संबोधित करने पहुंचे। गोंडा में शराब के जाम छलकाते हुए गुरुजी का वीडियो हुआ वायरल, विद्यालय में जहां बच्चे गुरु से ज्ञान पाते हैं वहां गुरुजी पीते हैं शराब। श्रावस्ती में आम तोड़ने के विवाद में भतीजे ने चाची को बेरहमी से पीटा, पिटाई से महिला की हालत गंभीर, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। संभल में सोते समय युवती की गोली मारकर हत्या, हत्या से इलाके में सनसनी।
लखीमपुर खीरी पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली, 30 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। सुल्तानपुर के दिव्यांश सुहाना बने प्रथम राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता, ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। अलीगढ़ के ईदगाह में गंदगी को लेकर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, स्वास्थ्य मंत्री और नगर आयुक्त मुर्दाबाद के जमकर लगे नारे। शाजापुर में विधायक गणेश और प्रांतीय अध्यक्ष क्रांति का हुआ भव्य स्वागत, जिला अध्यक्ष विनोद ने पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित। कन्नौज में दबंगों ने भाई बहन पर किया लाठी डंडों से हमला, युवक की हालत गंभीर, जमीन को लेकर दोनों पक्षों में चल रहा विवाद। ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली, जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच ने बैठने से हायरिंग नहीं हुई, एएसआई सर्वेक्षण आदेश को दी गई चुनौती। सरकार पर वरुण गांधी का हमला, बोले महंगाई चरम पर है और गैस के दाम बढ़ने से कई लोगों को होगी परेशानी। मेरठ में सड़क हादसे में दो की मौत, कैंटर ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर, ड्राइवरों की मौत, 5 घायल। शाजापुर में विहिप काली के डायरेक्टर का पुतला जलाया, राजेश अवस्थी बोले जरूरत पड़ी तो डायरेक्टर को भी जला देंगे। हरदोई में शौहरे की पिटाई का वीडियो वायरल, लड़की ने छेड़खानी का किया था विरोध तो भीड़ ने युवक को 10 सेकंड में मारे 7 थप्पड़। कौशाम्बी में सांप काटने से किसान की मौत, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहे परिजन, काफी देर बाद अस्पताल लेकर पहुंचे। कावड़ यात्रा और बकरीद की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, डीएम बोले माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। फिरोजाबाद के सिरसागंज में स्कूल बस से टकराई रोडवेज बस में सवार 6 यात्री घायल, घायलों को अस्पताल में चल रहा इलाज। बरेली पुलिस का अपराधियों पर बड़ा एक्शन, 846 पर गैंगस्टर, 69 करोड़ की संपत्ति जब्त, 5 पर एनएसए की कार्रवाई। बिजनौर में छात्राओं और एवीवीपी ने किया प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज पर लगाया फर्जी एनएम की डिग्री देने का आरोप। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस